हेलो एंड वेलकम बैक। आई एम डॉक्टर राहिल चौधरी, आई डॉक्टर, कैटरेक्ट एंड रिफ्रैक्टिव सर्जन। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि अगर आपकी आंखों में चश्मे का नंबर है और इस चश्मे से आप निजात पाना चाहते हैं, चश्मा हटवाना चाहते हैं, चश्मे से आज़ादी चाहते हैं, चश्मा पहन पहन के तंग हो गए हैं, तो आज की डेट में आपके पास चश्मा हटाने के लिए कौन से ऑप्शंस अवेलेबल हैं और इनकी अप्रॉक्सीमेट कॉस्ट कितनी रहती है ऑल ओवर इंडिया। देखिए, जो मैं कॉस्ट आपसे डिस्कस कर रहा हूँ वो एक एवरेज कॉस्ट डिस्कस कर रहा हूँ। हो सकता है कुछ हॉस्पिटल्स में ये कॉस्ट 5-10 हज़ार रुपये ऊपर हो या नीचे हो, लेकिन मोस्ट ऑफ ऑल ओवर इंडिया इस तरह का पैटर्न फॉलो किया जाता है। तो चश्मा हटाने के बेसिकली चार तरह के प्रोसीजर्स होते हैं। सबसे पहला जो मोस्ट कॉमनली यूज प्रोसीजर है वो है लेजर से चश्मा हटाने का प्रोसीजर। अब लेजर से चश्मा हटाने के प्रोसीजर में भी कई तरह के ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल है। सबसे पॉपुलर और सबसे एडवांस्ड ऑप्शन जो है उसको हम कहते हैं कंट्यूरा विजन, जो आजकल की सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है चश्मा हटाने की। कंट्यूरा विजन की कॉस्ट करीब 95,000 पड़ती है दोनों आंखों की। कंट्यूरा विजन से एक स्टेप नीचे है स्माइल प्रोसीजर, जिसकी कॉस्ट करीब पड़ती है 90,000 दोनों आंखों की, और उससे एक स्टेप नीचे है ब्लेडलेस लेसिक, जिसकी कॉस्ट पड़ती है 85,000। अब कंट्यूरा विजन, स्माइल और ब्लेडलेस फेमटो लेसिक, ये तीनों ब्लेड फ्री प्रोसीजर्स हैं। इन प्रोसीजर्स में किसी भी तरह के ब्लेड का इस्तेमाल नहीं होता, सारा काम लेजर लाइट से करा जाता है। तो लोग मेरे से अक्सर ये क्वेश्चन पूछते हैं कि डॉक्टर साहब, इन तीनों के बीच में डिफरेंसेस क्या है? देखिए, इन तीनों के बीच में ऐसा कोई जमीन आसमान का डिफरेंस नहीं है। तीनों ही बहुत अच्छी टेक्नोलॉजीज हैं, लेकिन जैसे टाइम के साथ हर चीज़ एडवांस होती है, जैसे आईफोन 11 के बाद आईफोन 12 आता है, उसके बाद आईफोन 13 आता है, ऐसे ही टाइम के साथ लेज़र टेक्नोलॉजीज भी एडवांस हो रही हैं। तो कंट्यूरा विजन में कुछ स्पेशल फीचर्स हैं जिसकी वजह से आपकी नज़र की क्वालिटी बहुत ही अच्छी आती है और सेफ्टी बहुत ज़्यादा हो गई है। तो कंट्यूरा विजन में एक चीज़ हम देखते हैं जिसको हम कहते हैं सुपर विजन, जहाँ पे नज़र की क्वालिटी एक नॉर्मल इंसान से भी ज़्यादा मिलती है। ये इसलिए पॉसिबल है क्योंकि कंट्यूरा में दो नए फीचर्स आए हैं। पहला फीचर है कॉर्नियल इररेगुलरिटीज़ को ठीक करना और दूसरा फीचर है विजुअल एक्सिस पे ट्रीट करना, जिसकी वजह से आपको एक सुपरविजन इफेक्ट मिलता है। आज ऑपरेशन कराए, कल से दिखना शुरू, परसों से अपने काम पे लग जाओ, और सेफ्टी बहुत हाई है, USFDA से अप्रूव्ड है। उसके बाद कुछ बजट ऑप्शंस भी होते हैं, जहाँ पे एक ब्लेड यूज़ होता है चश्मा हटाने के लिए। उसमें आपके SBK के ऑप्शन होते हैं, SBK लेसिक, या एक C लेसिक है उसका ऑप्शन होता है, और एक स्टैंडर्ड लेसिक है उसका ऑप्शन होता है। इनकी कॉस्ट रफली 25,000 से 45,000 या 55,000 के बीच में रेंज करती है दोनों आंखों की। और फिर कुछ स्पेशल तरह के प्रोसीजर्स होते हैं जिसको हम लोग कहते हैं सर्फिस प्रोसीजर्स। इन प्रोसीजर्स का इस्तेमाल मेनली उन लोगों में करा जाता है जिनकी पुतली की मोटाई कम होती है। एक सर्टेन मोटाई से अगर आपकी पुतली कम हो तो हम नॉर्मल प्रोसीजर्स की जगह सर्फिस प्रोसीजर यूज़ करते हैं, या अगर कुछ लोग गवर्नमेंट मेडिकल्स को क्लियर करना चाहते हैं, जैसे आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, पुलिस, रेलवे वगैरह हो गए, तो उन लोगों में हम एपिकंट्यूरा प्रोसीजर को यूज़ करते हैं जिसमें आँख में कोई निशान नहीं आता। तो ये बेसिकली आपके लेज़र वाले प्रोसीजर्स हैं। ऑलमोस्ट 50-60% लोगों के चश्मे का नंबर लेज़र से हटाया जाता है, लेकिन फिर भी ऐसे कुछ लोग होते हैं जिनमें लेज़र नहीं करा जा सकता। जैसे मान लीजिए आपके चश्मे का नंबर बहुत हाई हो, 8 नंबर से ऊपर है, या आपकी पुतली की मोटाई बहुत ही कम है कि सर्फेस वाले प्रोसीजर से भी ठीक नहीं कर सकते, या आपकी आंखों में ड्राइनेस की प्रॉब्लम है, या आपकी आंखों में केराटोकोनस की प्रॉब्लम है, इस तरह के प्रोसीजर्स में हम लोग ICL का यूज़ करते हैं। तो ICL क्या चीज़ होती है? बेसिकली ICL एक लेंस है जिसमें आपके चश्मे की पावर है, और इस लेंस को हमने आंख के अंदर डाल दिया और चश्मे का नंबर ख़त्म। ICL में भी आजकल कई तरह के ऑप्शंस हैं, इम्पोर्टेड ICLs हैं, इंडियन ICLs भी हैं, लेकिन हमारी प्रेफरेंस हमेशा इम्पोर्टेड स्टार वाला ICL होती है। ये ICL स्विट्ज़रलैंड में बनाया जाता है, और इसकी खासियत ये है कि ये इकलौता ऐसा ICL है जो USFDA से सेफ्टी के लिए अप्रूव्ड है।
तो क्योंकि ICL यंग लोगों में डाला जा रहा है तो सेफ्टी के मामले में हम कहीं भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते। USFDA अप्रूव्ड जो प्रोसीजर्स हैं, अप्रूव्ड जो प्रोडक्ट्स हैं, उनको यूज़ करने में हम लोग ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करते हैं। तो अगेन ICL में भी दो तरह के ICL हैं, एक इम्पोर्टेड ICL और इंडियन ICL। इम्पोर्टेड ICL जो स्टार वाला ICL है उसकी कॉस्ट अप्रॉक्सीमेटली 1,60,000 फॉर बोथ दी आईज, और इंडियन ICL आपका मोटा मोटा 70,000-80,000 में दोनों आंख के हो जाते हैं। ICL के बारे में सपोज हम जब स्विट्जरलैंड वाला ICL स्टार का ICL डाल रहे हैं, उसमें हमें ये समझना है कि ये जो ICL का लेंस है ये आपकी आंख के नाप के हिसाब से कस्टमाइज करके बनाया जाता है। तो सबसे पहले हम आपकी पूरी आंख का नाप लेते हैं, ये सारा डाटा हम स्विट्जरलैंड भेजते हैं, वहाँ पे वो लेंस बनाते हैं और 15-20 दिन में इंडिया कोरियर करते हैं, फिर आपको ऑपरेशन करा जाता है। तो ICL सर्जरी में अगर आप स्टार ICL को प्रेफरेंस दे रहे हैं तो आपका ऑपरेशन 10-15 दिन के बाद होता है, वहीं इंडियन ICL में आपका ऑपरेशन 2-3 दिन में करा जा सकता है। अच्छा, फिर भी ऐसे कई पेशेंट्स होंगे जिनमें ICL से भी चश्मा नहीं हटाया जा सकता, तो ऐसे लोगों में हम लोग RLE का यूज़ करते हैं। RLE का मतलब होता है रिफ्रैक्टिव लेंस एक्सचेंज, कुछ लोग RLE को क्लियर लेंस एक्सट्रैक्शन भी कहते हैं। इसमें हम लोग क्या करते हैं कि आंख में जो नेचुरल लेंस है उसको हम निकाल लेते हैं और उसकी जगह पर एक ऐसा लेंस डालते हैं जिसमें नेचुरल लेंस और आपके चश्मे की दोनों की पावर एक ही लेंस में। तो दोबारा समझा रहा हूं, थोड़ा सा कभी कभी लोगों को कंफ्यूजन हो जाती है। ICL में आंख के अंदर एक लेंस डाला जा रहा है, कुछ निकाला नहीं जा रहा। RLE में हम नेचुरल लेंस को निकाल रहे हैं और उसकी जगह एक ऐसा लेंस डाल रहे हैं जिसमें नेचुरल लेंस की पावर भी है और आपके चश्मे की भी पावर है, तो दोनों की पावर एक ही लेंस में है और उस लेंस को आंख में डाला जाता है। ये प्रोसीजर होता है RLE उन लोगों के लिए जो ICL के लिए फिट नहीं होते। RLE में भी क्योंकि यंग बच्चों में हो रहा है तो हम लोग इम्पोर्टेड लेंसेज को प्रेफरेंस देते हैं जिनके हाई क्वालिटी हाई स्टैंडर्ड्स होते हैं, अच्छी रिजल्ट्स आते हैं उसमें, तो उसमें भी Alcon के लेंसेज ज़्यादा प्रेफर करे जाते हैं और उसकी कॉस्ट अप्रॉक्सीमेटली 1,60,000 आती है पर आई। और ये जो प्रोसीजर है ये बिल्कुल ब्लेड फ्री होता है, किसी भी तरह के ब्लेड का इस्तेमाल नहीं होता, सारा प्रोसीजर लेजर लाइट से करा जाता है। अच्छा, फिर ऐसे कुछ लोग होंगे जिनकी आंखों में RLE भी नहीं हो सकता, उन लोगों में फिर हम इंटैक्स का यूज करते हैं। तो इंटैक्स बहुत ज्यादा कॉमन नहीं है, बहुत ही रेयरली इनका यूज किया जाता है। इंटैक्स से हम पूरा चश्मा नहीं हटा सकते, चश्मे के नंबर को थोड़ा सा रिड्यूस कर सकते हैं, पेशेंट को कंफर्टेबल कर सकते हैं और इंटैक्स की कॉस्ट अप्रॉक्सीमेटली 1,00,000 रुपीज पर आई बैठती है। तो अगेन मैं थोड़ा सा आपको ओवरव्यू और दे देता हूँ। चश्मा हटाने के प्रोसीजर्स चार तरह के हैं। पहले हैं लेज़र वाले प्रोसीजर्स, 50-60% लोगों का ऑपरेशन लेज़र से होगा। लेज़र के प्रोसीजर्स की कॉस्ट 25,000 से लेके 95,000 के बीच में पड़ती है। 95,000 वाला सबसे लेटेस्ट प्रोसीजर है कंट्यूरा विजन, जो आजकल सबसे ज़्यादा पॉपुलर है। लेज़र के लिए आप एलिजिबल नहीं हैं तो ICL करा जाएगा। ICL की कॉस्ट अप्रॉक्सीमेटली 1,60,000 दोनों आंखों की। ICL के लिए एलिजिबल नहीं है तो RLE होगा, RLE के लिए एलिजिबल नहीं है तो इंटैक्स होगा। और फिर भी ऐसे कुछ पेशेंट मिलेंगे जिनमें ये कुछ भी नहीं हो सकता, चारों ही प्रोसीजर सेट नहीं बैठ रहे, फिर उन लोगों को हम लोग चश्मा पहनने की रिकमेंडेशन देते हैं। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से थोड़ा क्लैरिटी मिला होगा कि चश्मा हटाने के कितने तरह के प्रोसीजर्स हैं और उनकी कॉस्ट अप्रॉक्सीमेटली कितनी रहती है। मोस्ट पॉपुलर प्रोसीजर अगेन लेज़र वाले हैं, 50-60% लोगों का चश्मा लेज़र से हटाया जाएगा। लेज़र की कॉस्ट 25,000 से लेकर 95,000 फॉर बोथ आईज तक बीच में आपकी रेंज रहती है। 95,000 वाला सबसे लेटेस्ट प्रोसीजर है कंट्यूरा विजन। लेज़र के लिए आप एलिजिबल नहीं हैं तो ICL से चश्मा हटाया जाएगा। ICL की कॉस्ट अप्रॉक्सीमेटली 1,60,000 दोनों आँखों की। ICL के लिए एलिजिबल नहीं है तो RLE से हटेगा। RLE भी नहीं हो सकता तो इंटैक्स का भी एक ऑप्शन है। और फिर भी कुछ ऐसे पेशेंट्स होंगे जिनका चश्मा हट ही नहीं सकता, तो उन पेशेंट्स को पूरी लाइफ अपना चश्मा पहनना पड़ेगा। तो आपके मन में इससे रिलेटेड और कोई भी डाउट हो तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल बी बैक सून।